गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज़ प्रियंका यादव फ्रॉम RBS पॉलिटेक्निक कॉलेज आगरा। आज हम एक नया सब्जेक्ट स्टडी कर रहे हैं जो है इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट डिवाइसेस। यह सब्जेक्ट आपका UPBT द्वारा फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह सब्जेक्ट आपके दोनों ही ब्रांचेस का कोर सब्जेक्ट है। अगर हम बात करें BTEC के रिगार्डिंग, तो भी यह सब्जेक्ट आपके फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए बहुत बेनिफिशियल है और बेस सब्जेक्ट है। आप जब तक आपको डिवाइसेस के बारे में, कंपोनेंट्स के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक्स के नहीं पता होगा, यू कैन नॉट रिकॉग्नाइज व्हाट इज़ द एप्लीकेशंस ऑफ दीज डिवाइसेस। फाइन, इस सब्जेक्ट से रिगार्डिंग जितने वीडियोस हैं वो आपको प्रियंका इलेक्ट्रॉनिक्स कंसेप्ट यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे। आपको कोई भी क्वेरीज या कोई भी प्रॉब्लम रहती है तो कॉमेंट सेक्शन में जाकर आप पूछ सकते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सब्जेक्ट। आज हम बेसिकली फर्स्ट लेक्चर स्टडी कर रहे हैं जिसमें हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होती है और उसकी वेरियस एप्लीकेशंस क्या होती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ द इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होती है? एक्चुअली इलेक्ट्रॉनिक्स एक का कॉम्बिनेशन जो है वो है आपका इलेक्ट्रॉन प्लस मैकेनिक्स। क्या है आपका? इलेक्ट्रॉन प्लस मैकेनिक्स। दैट मीन्स कि इलेक्ट्रॉन का जो बिहेवियर है, जो प्रॉपर्टीज़ हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो आपकी क्या होगी, इसके बारे में जो स्टडी की जाती है वो ब्रांच क्या कहलाती है आपकी? इलेक्ट्रॉनिक्स। इट इज़ डील्स विद द कंट्रोल एंड फ्लो ऑफ कंट्रोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ वैक्यूम, इन अ सेमीकंडक्टर और इन गैसेस। अगर हम बात कर रहे हैं तो हम इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है और हम उसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं वेरियस डिवाइसेस में, उसके बारे में इस सब्जेक्ट में स्टडी किया जाता है। ओके, दूसरी चीज़ ये है कि इट इज़ द व्हाट इज़ द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हेन सम इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इज़ अप्लाइड, विच इज़ आल्सो स्टडीड इन दिस सब्जेक्ट। ओके, यहाँ देखिए आपका एक सर्किट बनाया हुआ है हमने, जिसमें आप देख रहे हो कि आपने एक एक्सटर्नल सर्किट इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया हुआ है और यहाँ एक लोड आपने लगाया हुआ है, तो वहाँ आपका करंट का फ़्लो कैसे होगा? करंट का फ़्लो हमेशा जो मोशन होता है करंट का या फ्लो होता है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन के ऑपोजिट होता है। तो आप यहाँ से देख रहे हो कि जो इलेक्ट्रॉन का फ़्लो है वो आपका, अगर हम देखें पोलैरिटी के वाइज, तो वो है आपका नेगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का फ़्लो क्या होगा? पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है, सो अगर हम बात करें आपके इसके रिगार्डिंग, तो आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो अगर हम इस डायरेक्शन में लेके चल रहे हैं तो आपका करंट का डायरेक्शन उसके जस्ट ऑपोजिट होगा। ठीक है, जैसे ही आपकी करंट का फ्लो स्टार्ट होगा और आपका ये जो बल्ब है वो ब्लो करना स्टार्ट हो जाएगा। फाइन, चलिए आगे देखते हैं। जो भी ब्रांचेज हैं, अगर हम आपकी बात करें इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स के रिगार्डिंग, तो वहाँ पे अक्सर बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिकल एंड व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक्स। आपको ये ध्यान रखना है, इलेक्ट्रॉनिक्स में जो फ्लो होता है चार्ज का वो नॉन मेटल कंडक्टर्स में होता है। दैट मीन्स के जो कंडक्टर्स नहीं होंगे वहाँ जो इलेक्ट्रॉन का कंट्रोल होगा, जो जनरेशन होगा या ट्रांसमिशन होगा, वो कहलाती है, वो ब्रांच कहलाती है इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रिकल कंडीशन में क्या होगी? करंट का जो फ्लो होगा या चार्ज का जो फ्लो होगा वो हमेशा किस में होगा? थ्रू द मेटल कंडक्टर। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा विच इज़ नॉन मेटल, और इलेक्ट्रिकल में जो फ्लो होगा वो हमेशा क्या होगा? एक मेटल कंडक्टर होगा। तो आपको अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि वॉट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल, तो आप आराम से आंसर कर सकते हो। ओके, अगर हम इवोल्यूशन के रिगार्डिंग बात करें, तो सबसे पहले आपके 1952 में बेन फ्रैंकलिन ने लाइटनिंग की इन्वेंशन किया। 1984 में चार्ल्स ऑगस्टिन ने कोलाम ने आपका ये बताया कि आपके जो ऑपोजिट चार्जेस होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं और जो सेम चार्जेस होते हैं वो रिपल्सिव बिहेवियर को शो करते हैं। ठीक है, 1791 में गैल्वनी ने आपकी बायो इलेक्ट्रिसिटी का इन्वेंशन किया। एलन स्ट्रोड वोल्टा ने आपके वोल्टेज क्या होता है, पोटेंशियल क्या होता है, उसके बारे में बताया आपको।
1920 में हैंस क्रिस्टियन ओरस्टेड ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में बताया है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आपको पता है कि अगर हम किसी डिवाइस में या किसी वायर, कॉपर वायर में अगर इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो करते हैं तो वहाँ एक मैग्नेटिक बिहेवियर क्रिएट हो जाता है, तो क्या कहलाता है आपका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ओके, 1827 में जॉर्ज सिमन ओम ने आपका ओम्स लॉ बताया है, जिसमें उन्होंने रेजिस्टेंस के बारे में बताया कि एक रेजिस्टेंस एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो हमेशा आपके करंट के फ्लो को अपोज करती है। फाइन, फिर 1831 में मिशेल फेराडे ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की बात की। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आपको क्या बताता है कि अगर कोई कॉयल आपके मैग्नेटिक फील्ड में रखी गई है और उस मैग्नेटिक फील्ड में अगर आप चेंज करते हो तो आपके सिरों के बीच एक पोटेंशियल डिफरेंस, या मैं बोलूं कि एक वोल्टेज क्रिएट होता है जिसकी वजह से एक जो करंट है वो इंड्यूस हो जाती है, विच इज़ नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ओके, 1864 में आपके जेम्स क्लार्क ने मैक्सवेल इक्वेशंस को बताया। अलेक्जेंडर ग्रैहम बेल में आपका, आप जानते हो कि टेलीफोन का आविष्कार किया। थॉमस एल्वा एडिसन ने आपके इलेक्ट्रिक बल्ब बनाया। हेनरिच हर्ट्ज ने रेडियो वेव्स का जनरेशन किया या इन्वेंशन कहा, उन्होंने बताया कि रेडियो वेव्स का वेवलेंथ कितना होता है, या हम बोलें कि उसकी स्पेक्ट्रम क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है, उसकी फ्रिक्वेंसी रेंज कितनी रहनी चाहिए। मार्कोनी ने जो रेडियो बताया, जो आप FM पे जो सुनते हो, या अटल बिहारी, सॉरी, आपके मोदी जी की जो आप बात, मन की बात सुनते हो थ्रू द रेडियो सुनते हो। ओके, 1904 में आपके एम्ब्रोस फ्लेमिंग ने वैक्यूम ट्यूब बताया, जिसमें आपका इलेक्ट्रॉन कैसे वैक्यूम ट्यूब में फ्लो करेगा और आप कैसे कंट्रोल कर पाओगे उसके बारे में बताया। एलडी फॉरेस्ट ने ट्रायोड बताया, एक थ्री टर्मिनल डिवाइस बताई जिसमें किस तरीके से आपका इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, आप उसके बारे में स्टडी करते हो। ठीक है, जे एल बेयर ने, ऑब्वियस है आपको पता है कि टेलीविज़न का आविष्कार किया था। और रसल हॉल ने आपका किसका किया था, पीएन जंक्शन डायोड। ये सारी चीज़ें हम आपके थोड़ा थोड़ा आगे के चैप्टर्स में स्टडी करेंगे। ओके, विलियम शॉकले एंड जॉर्ज बर्डीन वॉल्टर वाटर ब्रैंटिन ने आपका ट्रांजिस्टर बताया। जितने भी आपके BJTs वगैरह हैं उनके बारे में, जो कैसे बिहेव करता है, करंट का फ्लो कैसे रखना चाहिए, किस तरह की पोलैरिटीज होनी चाहिए, उसके बारे में आपको बताया। फाइन, फिर जैक किल्बी ने आपका इंटीग्रेटेड सर्किट, जो आप चिप्स देखते हो अपने वेरियस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में, उसका इन्वेंशन किया। फाइन, रॉबर्ट नोयस एंड जॉर्डन मोरेन ने आपका माइक्रो प्रोसेसर बनाया। आप देख रहे हो कि इंटीग्रेटेड सर्किट का जैसे इन्वेंशन हुआ तो आपका माइक्रो प्रोसेसर बनाया। माइक्रो प्रोसेसर बनने के बाद आपका माइक्रो कंट्रोलर्स बनाया, और आप देख रहे हो आजकल जो कंप्यूटर्स हैं वो आपके डुओ जो कोर है, आपके डुअल कोर पे डिपेंडेंट है, जो आपके डे बाय डे एक बेटर परफॉर्मेंस आपको प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, डे बाय डे अगर आप देखो तो जिस तरीके से आपका जो सेमी कंडक्टर में न्यू न्यू इन्वेंशंस होते जा रहे हैं, उसी तरीके से आपके जो नई नई डिवाइसेस हैं उनका इन्वेंशन होता जा रहा है, और डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस पे आप उनको यूज़ कर सकते हैं। फाइन, एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इन डिफरेंट फील्ड। अब हम पढ़ेंगे कि एप्लीकेशंस क्या क्या होती हैं आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स की, किस किस फील्ड में किस तरीके से यूज़ करते हैं आपके इलेक्ट्रॉनिक्स को। ठीक है, सबसे पहली बात करते हैं हम एरोस्पेस इंडस्ट्री की। एरोस्पेस इंडस्ट्री, जैसे कि आपके जो एयरक्राफ्ट हैं, एयरक्राफ्ट लैंडिंग सिस्टम्स हैं, एरोप्लेन का जो आपका उड़ना होता है, आप देख रहे हो कि उसकी लैंडिंग कैसे होगी। ठीक है, पावर मैनेजमेंट कैसा होगा, सैटेलाइट के रिगार्डिंग आपका उसमें पावर सिस्टम्स कैसे यूज़ होते हैं, आपके रडार नेविगेशन सिस्टम कैसा होता है। ठीक है, तो ये आपकी एरोस्पेस इंडस्ट्री में अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का यूज़ करके आप इन सबको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, दूसरी बात है जो कमर्शियल एयरलाइंस होती हैं उसमें आप उनके डिफरेंट जो पैरामीटर्स होते हैं, लाइक उनकी ह्यूमिडिटी कितनी रहनी चाहिए, टेम्परेचर कितना है, प्रेशर कितना है, एलिवेशन कैसे होगा उनका, एलिवेशन कितना रहना चाहिए, किस एंगल पे उसको उतारना है हमें, तो इन सब के बारे में जो भी डिवाइसेस आप यूज़ करते हो, दीज ऑल आर द इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्पोनेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस। फाइन, अगर हम कंज्यूम नेक्स्ट है आपकी कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स।
कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स की आप देख रहे हो कि वेरियस आपके कैलकुलेटर्स हो सकते हैं, पर्सनल कंप्यूटर्स हैं जैसे कि स्कैनर्स हैं, प्रिंटर्स हैं, फैक्स मशीन्स हैं, प्रोजेक्टर्स आप यूज़ करते हो, ठीक है, घरों में जैसे आप मूवीज़ वगैरह देखने के लिए या स्कूल्स वगैरह में प्रेजेंटेशंस के लिए या पढ़ाने के लिए स्टडी करने के लिए प्रोजेक्टर्स देखते हो, तो दे ऑल आर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। फाइन, घरों में आप देखते हो कि आपके वॉशिंग मशीन्स हैं, रेफ्रिजरेटर्स हैं, एयर कंडीशनर्स हैं, माइक्रोवेव ओवन्स हैं, आपके ब्रेड टोस्टर्स हैं, और आजकल तो आप देख रहे हो कि आपका फूड मेकर, फूड प्रोसेसर्स आ गए हैं। तो ये सारी चीज़ें जितने भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस हैं, दे ऑल आर मेड बाय द इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स। ओके, नेक्स्ट है आपका एप्लीकेशन। अगर हम कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो आपके हेडफोन्स हैं, ये जो एंटरटेनमेंट के रिगार्डिंग अगर हम बात करें, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की, तो आप देख रहे हो कि आप जितने भी सीडी प्लेयर्स हैं, लाउड स्पीकर्स हैं, माइक्रोफोन्स हैं, कलर टेलीविजन्स हैं, ये सारे क्या हैं, आपके एंटरटेनमेंट साधन हैं, जिनसे आप इन अगर ये सब नहीं होते तो मे बी पॉसिबल आप अपना एंटरटेनमेंट नहीं कर पाते। ओके, नेक्स्ट है आपका एडवांस कंज्यूमर डिवाइसेस, जैसे सेट टॉप बॉक्स हैं, आप इंटरनेट यूज़ करते हो, एटीएम मशीन्स हैं, डिश वॉशर हैं आपके घरों में जो यूज़ करते हैं, या आपके मॉल्स वगैरह में हम यूज़ करते हैं, स्मार्टफोन्स हैं, आपके बारकोड स्कैनर्स हैं। आप देखते हो कि जब आप मॉल्स वगैरह में जाते हो तो एक बारकोड स्कैनर होता है जो आपके प्रोडक्ट पे होता है, तो आपको उसका प्राइस पता लग जाता है कि एक्चुअल प्राइस क्या है, आपको बार बार देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, स्टोरेज डिवाइसेस की बात करें तो आपके डीवीडीज़ वगैरह हैं, ऑप्टिकल डिस्क थी पहले, आप पोर्टेबल MP3 प्लेयर्स आपके पास हैं, तो दीज ऑल आर द इलेक्ट्रॉनिक कॉम्पोनेंट्स, जिससे कि आपका जो साधन मिलने के साथ आपको जो यूटिलिटीज़ है आपकी डिवाइसेस की, वो बहुत आसान हो गई। ओके, नेक्स्ट है आपकी मेडिकल, मेडिकल सर्विसेज में, मेडिकल फील्ड्स में आप देखते हो कि आजकल आपका MRI है, CT है, एक्सरेज है, ठीक है, तो ये सारी की सारी जो अगर हम बात करें तो आपके जो एंजियोग्राफीज हैं, अगर हम बोलें कि लेज़र विधि से आप अपना स्टोन्स का या गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन तक करते हो, तो दे ऑल आर मेड बाय द इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस। तो इस तरीके से आप जो चेकअप्स हैं, आजकल आप देख रहे हो कि जो रोबोटिक्स, जो रोबोट्स हैं, वो चेकअप्स के लिए आप यूज़ कर रहे हो, तो रोबोट इज़ ऑल्सो आर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इंस्ट्रूमेंटेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन की अगर हम बात करें तो आप देख रहे हो कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, जो आपके लेबोरेटरीज में आप देखते हो, तो फ्रीक्वेंसी जनरेटर्स हैं आपके, ऑसिलोस्कोप CROs हैं, आप उनको कैलिब्रेशन उनका करते हो, सिग्नल जनरेटर्स हैं। ठीक है, लेबोरेटरी में आप देखोगे ना जाने कितनी रिसर्च रिसर्च डिवाइसेस होती हैं, जिनसे आप अपने इन्वेंशंस करते हो, नए नए इनोवेशंस करते हो, तो ये सारे के सारे इंस्ट्रूमेंटेशन के फील्ड के रिगार्डिंग आते हैं। फाइन, नेक्स्ट है आपका ऑटोमोबाइल, ऑटोमोबाइल आप देख ही रहे हो कि एक जैसे कार में आप देख रहे हो डे बाय डे नए नए इन्वेंशंस होते हैं, डोर लॉकिंग सिस्टम आ गया है, आपके एंटरटेनमेंट के सिस्टम आ गए हैं, ठीक है, स्पीड का लिमिटेशन कैसे रहता है, पार्किंग सिस्टम में कैसे वो पार्क की जा सकती है आपका, तो ये सारा क्या है, ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम्स हैं। गैस मैनेजमेंट इन द कार, कंट्रोल कैसे होगा, कंट्रोल इंजन कैसे होगा आपका, ये सारे के सारे क्या है, रोड व्हीकल्स। आजकल तो आप देख रहे हो कि जो कार्स हैं वो विदाउट ह्यूमन भी आने लगी हैं, तो ये सारा क्या है, इलेक्ट्रॉनिक का इन्वेंशन है कि ऑटोमेटिकली आप उनको कैसे वर्क कर सकते हो। यूटिलिटी सिस्टम्स की अगर मैं बात करूं कि आपके घरों में आजकल HVDC, जो हाई डेफिनेशन या हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट ट्रांसमिशन होता है, आपके फैंस हैं, बॉयलर्स हैं, फीट पंप्स हैं, जो सोलर और जो विंड पावर मैनेजमेंट्स हैं, जो आपके नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज हैं, लाइक टाइडल, जियो थर्मल अगर हम बात करें, सोलर, ठीक है, और अगर हम बात करें ओशियंस के रिगार्डिंग, तो वहाँ क्या कंडीशंस होती है, जो भी आपके एनर्जी होता है उसका इलेक्ट्रिकल में कन्वर्जन हमें बहुत ज़रूरी होता है, तो इन बिटवीन आपका जो भी मैनेजमेंट होता है कि कब कैसे एनर्जी को हम मैनेज कर सकते हैं, वो सारा का सारा क्या होते हैं, आपके इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हम बात करें कि इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट से आप उन सबको मैनेज कैसे कर सकते हो, उनकी सुपरविज़न कैसे कर सकते हो, उन सारी एक्टिविटीज़ का। फाइन, एग्रीकल्चर में आप देख रहे हो कि हाँ, आपके ट्रैक्टर्स हैं जिनको हम यूज़ करें, दे ऑल आर ऑटोमेटिक
पहले तो जैसे जो बैलगाड़ीज़ वगैरह हुआ करती थी, खेत को पूरा रुपाई के लिए आप क्या यूज़ करते थे, या तो ह्यूमन बिहेवियर लगता था या फिर हम बैल वगैरह भी यूज़ करते हैं। आजकल ट्रैक्टर्स ही आपका रुपाई भी कर देते हैं, ठीक है। साथ ही आपका जो खाद है, आपके जो सॉइल है उसमें कितना न्यूट्रिशंस होना चाहिए, मॉइस्चर कितना है, कितना नाइट्रोजन है, कितनी ऑक्सीजन है, क्या वो हमारे फसल के लिए लायक है या नहीं मिट्टी, उसके बारे में भी आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से पता लगा सकते हो सेंसर्स के थ्रू यूज़ करके। तो ये कुछ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं जिनसे आप इन सारी चीज़ों का पता लगा सकते हो इन योर एग्रीकल्चर फील्ड। फाइन, नेक्स्ट कंडीशन है आपका कम्युनिकेशन। आप जानते हो कम्युनिकेशन में आप देख रहे हो कि हर दिन रेडियो है, FM है, टेलीविज़न है, मेमोरी स्टोरेज है, डिस्प्लेज हैं, एनालिसिस हैं, प्रोटेक्शंस हैं, ये सारे के सारे जो भी आप देखते हो ना, पबजी वगैरह खेलते हो आजकल अपने घरों में, आप खेल रहे थे आई मीन, अब तो आपने बंद कर दिए। तो ये सारे के सारे जो इक्विपमेंट्स हैं दे ऑल आर, जैसे टेलीफोन है, अगर टेलीफोन नहीं होता, ग्रैनवेल नहीं बनाया होता, मे बी पॉसिबल कि आज हम कम्युनिकेट एक दूसरे से नहीं कर पा रहे होते, ठीक है। फिर हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस की। तो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में इल्यूमिनेशन कंट्रोल है आपका, वेल्डिंग कंट्रोल है, ब्लोअर्स हैं, पम्प्स हैं, कंप्रेसर्स हैं, रोड मिल्स हैं, आपकी रोलिंग मिल्स हैं, टेक्सटाइल मिल्स हैं, एग्जीक्यूटिव्स हैं आपके पास, ठीक है, प्रसीजन मेजरमेंट्स हैं। तो आप देख रहे हो कि जितनी भी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस हैं उनमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स यूज़ होता है, जिससे आपकी जो सहूलियत है, जो टाइम है, उसने आपको उसकी बहुत ज़्यादा सेफ्टी हो गई है, ठीक है, वो सेविंग हो गई है, सॉरी। और साथ ही साथ अगर आप देखोगे कि बड़ी बड़ी चीज़ों में, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ में इलेक्ट्रॉनिक का जो डिवाइसेस हैं या कंपोनेंट यूज़ करके आप जो ह्यूमन जो क्या बात है कि ह्यूमन का जो ह्यूमन की सेविंग भी बढ़ गई। पहले क्या होता, कुछ काम करने से ह्यूमन जो पर्सन हैं, जो पर्सन होते काम करने, जो माइनिंग्स होती थी उसमें आप पता नहीं लगा पाते थे। तो अक्सर क्या होता था कि आपकी कंडीशन ये होती थी कि सारे के सारे जो माइंस होती है उसमें पर्सन फंस जाते थे। तो आप पहले ही माइंड में पता लगा लेते हो कि यहाँ जाना बेहतर है या नहीं, और उसके बाद ही आप काम करते हो। जैसे फ्लड की बात आती है तो पहले से ही आपको बता दिया जाता है इंस्ट्रूमेंट्स के द्वारा कि फ्लड आने वाला है, तो उस एरिया से आप लोगों को हटा देते हो, ठीक। अब हम बात कर रहे हैं ई कॉमर्स की। ई कॉमर्स के अगर हम फील्ड में देखें तो आपके जो ई कॉमर्स जो है वो ओवर इंटरनेट अगर हम बात करें तो अब बहुत ही लार्जर जो सेक्टर्स हैं आपके, कम्युनिकेशन के, फाइनेंस के, रिटेल ट्रेड, और आपका एजुकेशन है, हेल्थ सर्विसेज हैं, दे ऑल आर अफेक्टेड वेरी मच, वेरी वेरी मच। एंड अगर हम इसके रिगार्डिंग देखें तो आप यहाँ देखते हो कि ई कॉमर्स की अगर हम बात करें तो सिक्योरिटी सर्विसेज आपको मिल जाती है, वेब होस्टिंग होती है आपकी, शॉपिंग कार्ड्स आपको मिलते हैं, ठीक है, वेब डिज़ाइनिंग आप कह सकते हो, मर्चेंट प्रोसेसिंग कैसे हो सकती है, ऑनलाइन मार्केटिंग आप कैसे करते हो, डेटा स्टोरेज कैसा होता है आपका, या मैं बोलूँ कि आप जो इनवॉइसेस लेते हो, आपने देखा होगा जब आप फ्लिपकार्ट या किसी भी इस टाइप की जो ऑनलाइन मार्केटिंग जो कंपनीज हैं उनसे करते हो, तो इनवॉइस आपको मैसेजेस मिलता है, इनवॉइस आपको रिसिप्ट मिलती है, ठीक है। और इसी तरीके से आप रेलवे रिजर्वेशन में देखो तो वहाँ पे भी ई कॉमर्स की सहायता से आप इजीली रिजर्वेशंस करा सकते हो, ठीक है। तो ये तो बात हुई ई कॉमर्स की। अगर हम बात बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट की, अब आपने देखा कि एक्सपोनेंशियली जो ग्रोथ है आपके इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स की वो डे बाय डे बहुत ही फास्ट हो गई है, ठीक है। अब फास्ट हुई तो चीज़ें सस्ती हुई हैं, सस्ती होने के साथ साथ उनकी वेस्टेज क्या है वो बहुत बढ़ गई है। तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का यूज़ करके साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो वेस्ट हो वो बहुत ज़्यादा ना हो, क्योंकि वेस्ट जो है वो बहुत ही टॉक्सिक सब्सटेंस क्रिएट करता है एंड विच इज़ वेरी वेरी हार्मफुल फॉर द ह्यूमन लाइफ। सो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है, क्योंकि कम्युनिकेशन में जो आप एंटीनाज लगाते हैं उनमें जो रेडिएशंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं, जो कैंसर्स की प्रॉब्लम्स होती है उन्हें क्रिएट करते हैं। तो आपको इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट से बचना है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं अपने डिफेंस के रिगार्डिंग। तो डिफेंस में आप देखते हो कि जो DRDO कंपनीज़ हैं आपका, नासा है आपका, इसरोज़ हैं, ये वो कंपनीज़ है, डिफेंस कंपनीज़ जो इन्वेंशन कंपनी, रिसर्च कंपनीज़ हैं आपकी, मिलिट्री पर्पसेस से आप देखते हो,
तो इन सब ने आपकी मिसाइल लॉन्चर्स हैं, रडार नेविगेशन सिस्टम्स हैं के मिसाइल लॉन्चिंग सिस्टम्स हैं आपको बताया, ठीक है। आपको मूविंग ट्रैकिंग इंडिकेशंस बताए कि किस तरीके से आप मूव करते हुए ट्रैक कर सकते हो किसी ऑब्जेक्ट को। तो ये सारी चीज़ें जो थी आपको इलेक्ट्रॉनिक्स ने, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस ने बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल बना दिया आपके डिफेंस पर्पसेस से भी, ठीक है। मिलिट्री पर्पसेस में आप देखते हो, आपने उरी फिल्म देखी होगी तो उसमें नाइट विजन कैमराज थे, तो वो विजुअलाइज कर दिया उन्होंने प्रॉपरली और मिशन को अकम्प्लिश कर पाए, फाइन। तो ये था आपका ओवरऑल सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड कंपोनेंट्स का इंट्रोडक्शन एंड उसके एप्लीकेशंस। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हो, और अगर अच्छा लगे लेक्चर तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो, लाइक भी कर सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच।